नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के बालाघाट में धोखाधड़ी के आरोप में बजाज फाइनेंस का एजेंट गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बालाघाट में धोखाधड़ी के आरोप में बजाज फाइनेंस का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। बता दें कि बारा सिवनी पुलिस लोन दिलवाने के बाद उपभोक्ता से धोखाधड़ी करने वाले बजाज फाइनेंस के एजेंट कपिल पिता विजय प्रजापति को उसके घर से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कपिल के कब्जे से 2,20,000 रुपए जब्त किए। पुलिस उप निरीक्षक शशांक राणा ने बताया कि गत जुलाई माह में बजाज कंपनी के एजेंट कपिल प्रजापति के खिलाफ कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत की गई थी, जिस पर बारा सिवनी पुलिस ने कपिल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया था और घटना के बाद से ही आरोपी कपिल फरार चल रहा था, जिसे बारा सिवनी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी कपिल प्रजापति ने लगभग 2 दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं को लाखों रुपए की चपत लगाई है। बालाघाट से नीरज काकोटिया की रिपोर्ट। 22/11/2021 को थाना वाराशिनी में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें बजाज फाइनेंस के कर्मचारी कपिल प्रजापति के विरुद्ध बजाज फाइनेंस के जो ग्राहक रहते हैं लोन लेने वाले, उन्होंने अपराध पंजीबद्ध किया था कि उसके उन्होंने कपिल प्रजापति ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। इस पर तो थाना वाराशिनी में 409, 406 और 420 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसका विवेचना किया, जो आज दिनांक को कपिल प्रजापति गिरफ्तार हुआ, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की गई थी, जिसमें उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया था। आज उनको न्यायालय में पेश किया गया आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है, जिन्हें जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। सर, कितनी राशि के धोखाधड़ी का मामला था ये? लगभग ये अभी आवेदक आ रहे हैं जी। अभी कपिल प्रजापति से 2,20,000 रुपए की रिकवरी हुई है। अच्छा, जब्ती की है उसके गिरफ्तारी के साथ। सर, इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं इस मामले में? अभी जांच चली है, इसमें विवेचना जारी है इसकी। अच्छा, आवेदक जो है, कई आवेदक अभी भी हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, वो भी थाने आ रहे हैं, इसमें बढ़ सकते हैं आवेदक सर आगे चल के? विवेचना जारी है इसकी, अब आने वाले समय में अगर आवेदक आएंगे तो बिल्कुल बढ़िया।